तो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में रुकना लोकल जिसमें आप रात को रिलीज वाली में हिंदी डब मूवी माफिया का, जिसमें आपको वीडियो में दिखाई देंगे अरुण विजय, प्रिया भवानी शंकर और प्रसन्ना। तो ज़्यादा देर न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और आपको बताते हैं मूवी आपको हिंदी में देखनी चाहिए या देखनी नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की फर्स्ट हाफ के बारे में। मैं मूवी की कहानी के बारे में ज़रा भी नहीं बताऊँगा, सिर्फ इतना बताऊँगा कि भाई ड्रग माफिया इन्वेस्टिगेशन पुलिस पता नहीं और क्या क्या है, ये सब मिला मिला के सब कुछ में मिलता है इस मूवी में, वो हमें दिखाने की कोशिश की है। बाकी बात करते हैं मूवी की फर्स्ट हाफ के बारे में। तो मूवी का फर्स्ट हाफ एकदम सिंपल है, थोड़ा बहुत बोरिंग है, लेकिन आप पूरी तरह फर्स्ट हाफ को झेल लोगे तो मूवी का सेकंड हाफ है ना, वो गजब लेवल का है। मूवी के फर्स्ट हाफ में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन खेलते रहते हैं, लेकिन हाँ वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से दिखाई देता है उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन बहुत सारे सीन पे उन्होंने स्पॉइल कर देते हैं कि हाँ यही है विलन, यही है विलन, ये सब उस सारे सीन में बता देते। बाद में मूवी थोड़ी बहुत रूटीन लगती है, लेकिन मूवी का जो सेकंड हाफ है ना वो मज़े दिलाता है। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो सबसे पहले मूवी की एक अच्छी बात है कि मूवी की लेंथ है ना बहुत ज़्यादा कम है। फर्स्ट हाफ में इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन सेकंड हाफ में जो थ्रिल है और जो एक्शन सीन है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना वो अलग लेवल का है। खासकर मुझे क्लाइमैक्स वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो बहुत ही अच्छा लगा। मूवी के गाने हॉलीवुड लेवल के लगते हैं और जो एक्शन सीन्स है ना वो भी हॉलीवुड लेवल के लगते हैं। खासकर जॉन विक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है वो एक्शन सीन्स, क्योंकि क्लाइमैक्स में सिर्फ एक एक्शन सीन्स है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो जॉन विक से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। बाकी मूवी पूरी तरह सिंपल लगती है, लेकिन जो क्लाइमैक्स में ट्विस्ट आता है ना वो देखने लायक है। आप सभी को पता ही होगा जो वो ट्विस्ट, लेकिन फिर भी वो ट्विस्ट देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर भी इस मूवी का चैप्टर 2 आने वाला है, जिसके कारण आपको इस मूवी का चैप्टर 1 यानी माफिया देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको चैप्टर 2 देखना है तो चैप्टर 1 देखना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ इस मूवी को जरूर देखिए। कल रात को ये मूवी आपको जी सिनेमा पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। बाद में भी फॉर यू मूवीज वाले पता नहीं इस मूवी को यूट्यूब पर कब अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ इस मूवी को एक बार जरूर देखिए। तो बस आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बाजू वाला घंटा है ना उसे भी दबा दीजिए, अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।